मेयमेंट स्केल्स मेजूमेंट स्केल्स क्या होते हैं जिनके ज़रिए हम डाटा इकट्ठा करें ये चार टाइप के होते हैं नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशो नॉमिनल स्केल वो होता है कि लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ होती हैं जिसके साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों को कोई मेल ऑर्डर ऑफ़र मिले तो उसके अंदर आप तीन या चार कैटेगरीज बना देते हैं नो रिस्पॉन्स परचेज एंड पे परचेज बट रिटर्न द प्रोडक्ट एंड परचेज एंड नाइदर पे नो रिटर्न तो आपने चार कैटेगरीज बना दी उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से और वो वन टू थ्री फोर करके हमने उसको नॉमिनल कर दिया वो एक दूसरे से फर्क है ऐसे डाटा को कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं क्योंकि ये चारों कैटेगरीज अलग अलग ऑर्डिनल स्केल ये होता है कि जो वैल्यू असाइन करता है ऑब्जेक्ट को उनकी रैंकिंग के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर माई यूज अ स्केल ऑफ जीरो डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सम कंडीशन फ्रॉम जीरो नो इम्प्रूवमेंट टू टेन डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशन और सिम्टम तो इसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं इंटरवल स्केल ये होता है ये ऐसा मेजरमेंट स्केल है जिसमें डिस्टेंस है स्केल में और उस डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप स्केल में कहीं भी है मतलब एक ही है उसमें तो कैटेगरीज थी ना इसमें एक ही मतलब है मसलन जीरो किसी इंटरवल uh, स्केल में उसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ नहीं है जो कि आप मेजर कर रहे हैं जैसे फॉरन हाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इंटरवल स्केल रेशो स्केल अ रेशो स्केल इज अ मेजरमेंट स्केल इन विच अ सर्टन डिस्टेंस अलोंग द स्केल मीन्स दैट द सेम थिंग नो मैटर वेयर ऑन द स्केल यू आर वो चीज वो ही है क्या ज़ीरो पर यह बताता है कि ये चीज़ है ही नहीं फोर ये बताता है कि ये टू से डबल है वन ये बताता है ज़ीरो से थोड़ी सी ज़्यादा है तो अक्सर जो रेशो स्केल्स हैं वो हम बिहेवियर के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं आप कितने खुश हैं जीरो बिल्कुल खुश नहीं हूँ टेन बहुत ज्यादा खुश हूँ तो ये और आपको क्वांटिफाई कर देता है कि किसी के इमोशंस क्या है और ये बच्चा आप कितनी दफा हफ्ते में अखरोट खाते हैं बादाम खाते हैं या कोई चीज तो उसको भी जीरो को आप कह देंगे कि कभी भी नहीं वन को कह देंगे महीने में एक दफा टू को तो आप डिटर्मिन करते हैं कि ये वैल्यूज का मतलब क्या है